सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग YouTube चैनल को खोल कर करके सिर्फ यह देखते हैं कि पढ़ाई शुरू है नहीं, हुआ है कि नहीं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आप पूरी पढ़ाई को चैनल के माध्यम से पूरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। हम आपको देखने को भी देख रहे हैं, ये नहीं कि हम नहीं देखते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना वीडियो को देख रहे हैं। आप पूरा वीडियो को देखें, अन्यथा जो यहाँ से नोट्स दिया जाएगा नहीं बनेगा, तो हम फिर जो बता दिए उसका बताया गया उसमें से क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा तो हम दोबारा जवाब नहीं देंगे। जो टॉपिक बता दिया गया उसी टॉपिक पर क्वेश्चन दिया जाएगा जब ये चैप्टर खत्म होगा, और जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नहीं। आप तो पहले भी जानते थे कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनाई जाती है, बताए गए सभी थ्योरी से क्वेश्चन बताया जाता है, बनाया जाता है, और आप पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं, पूरे को नोट को भी तैयार करते नहीं हैं। जब आप नोट को भी तैयार करेंगे तो पूरा वीडियो देखना ही है, इसका मतलब आप नोट को भी तैयार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें झूठ को परेशान करते हैं कि सर YouTube के माध्यम से पढ़ाइए, YouTube के माध्यम से पढ़ाइए, YouTube के माध्यम से पढ़ाइए। हमको पढ़ाने से नहीं होता। जब आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब हमको पढ़ाने से कोई फर्क नहीं। हम YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाएं, Facebook के माध्यम से पढ़ाएं या क्लास में पढ़ाएं, पढ़ना काम आपका है। और इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि कितने बच्चे इस बात पर समझने के बावजूद पूरा वीडियो को देखते हैं, और यदि पूरा वीडियो को देखा हुआ इस वीडियो के बाद नहीं देखेंगे तो हम चाहे ये सिस्टम बंद कर देंगे। फिर क्या फायदा है, हम परेशान होंगे और आप घर में बैठ के मस्ती मारें। बिल्कुल ये गलत बात है। इसके बाद बिल्कुल वीडियो को ग्राफ मेरे पास आना चाहिए, बिल्कुल सीरियसली रूप में, अन्यथा एकदम बंद कर दिया जाएगा। सब टीचरों से बाद हम स्टार्ट किए, आपको पता होगा। और ये रवैया रहेगा तो तुम्हारा वो रवैया था, मेरा भी रवैया, तू वहां तो हम यहां। इसलिए आइंदे चार वीडियो, पांचवा वीडियो डाले, पांचवा वीडियो पांच गलतियां माफ कर दिया गया, छठा गलती में कोई माफ नहीं। हमने तो ये गलती माफ करते थे दो गो, आज पांचवा गलती माफ कर रहे हैं। आगे जो बताया जा रहा है उस चीजों को ध्यान से देखें, समझें और पूरे वीडियो को देखें। ये नहीं हम कोई गाना शूटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई सिनेमा शूटिंग कर कि पढ़े, यहाँ पढ़ाई है। जब आप पूरा क्लास करेंगे तब तो समझ में आएगा ना। ये दो मिनट और चार मिनट देख करके छोड़ देते हैं। टिकटॉक है, ये टिकटॉक नहीं है, ये क्लास है। इसलिए क्लास के माध्यम से इसे समझें और पूरा देखें। इसलिए छठा वीडियो को हर हालत में, पांचवा वीडियो को हर हालत में देखेगा तब आपको सातवां और आठवां मिलेगा, नहीं तो कल से आपको लेट होना शुरू हो जाएगा। जो पर डे डालने की प्रक्रिया कर रहे हैं जाने देखिएगा तो हम भी अब सेम देखिए। फिजिक्स का अगला लेक्चर जो अध्याय प्रथम से होगा, इसमें आपको कल बताया गया था प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, आज उसके आगे प्रतिबिंब संबंधित की जानकारी लेंगे। प्रतिबिंब आपको कल बताया गया कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यह दो प्रकार के होती है,
वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों को परिभाषा बता दिया गया था। आगे हम लोग प्रतिबिंब में दो प्रकार की घटनाएं होती है। कभी आप जब देखते होंगे कि जब हम लोग आईना के सामने खड़ा होते हैं तो यदि शरीर के बाएं अंग को खुजलाते हैं तो वह अनुभव होता है दाहिने ओर वो दिखाई पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति तालाब के किनारे चलता फिरता दिखाई पड़ता है तो वो लगता है कि उसका पैर ऊपर है और सर नीचे है। यह प्रतिबिंब में दो घटनाओं के कारण ऐसा दिखता है। एम्बुलेंस गाड़ी के ऊपर उल्टी या छोली की जाती है यह उस प्रतिबिंब की घटनाओं के आधार पर उसे सीधा समझा जाएगा, दिखा जाएगा, समझा नहीं बल्कि दिखा जाएगा। इसलिए प्रतिबिंब में दो घटनाएं होती है, एक विपरिवर्तन की घटना और दूसरा पार्श्व विपरिवर्तन की घटना। दोनों को ध्यान से सुनेंगे। पहला आपको है विपरिवर्तन, ये प्रतिबिंब में पहला घटना है विपरिवर्तन। विपरिवर्तन वह घटना है जिसके फलस्वरूप प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमता है, 180 डिग्री पर घूमता है, जिससे ऊपर का भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब का वह घटना जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमता है, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर घूमता है, किस रेखा के साथ, तो क्षैतिज रेखा के साथ 180 डिग्री पर घूमता है, जिससे उसका ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, तो इसे विपरिवर्तन कहते हैं। और एक दूसरा होता है पार्श्व विपरिवर्तन, दूसरा होता है पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन होता है उदर रेखा, कौन रेखा, उदग रेखा, और वह उदग रेखा में भी 180 डिग्री पर ही घूमता है, कितने डिग्री पर, 180 डिग्री। दोनों का डिग्री तो सेम है, घूमने में डिग्री सेम है, लेकिन दोनों का अक्षीय रेखा अलग अलग है। एक का उदग है तो विपरिवर्तन का क्षैतिज है, ये क्षैतिज के साथ घूमता है तो ये उदग के साथ घूमता है, ये भी 180 डिग्री पर घूमता है और ये भी 180 डिग्री पर घूमता है। इसमें घूमने से ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें विद्यार्थी बाएं का भाग दाएं और दाएं वाला भाग बाएं दिखाई पड़ता है। ये दोनों घटना प्रतिबिंब में होती है। ये दोनों के बारे में हम लोग लिखते हैं और फिर इसके बाद इसका चित्र के साथ आपको समझाया जाता है। ध्यान दीजिए, वह घटना जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमता है, जिसके फलस्वरूप ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर दिखाई पड़ता है। ध्यान दें, फिगर या देखिए, पी अंग्रेजी का अक्षर, इसको वस्तु मानते हैं, तब इसका प्रतिबिंब, ध्यान दे, ऊपर और ये निचले भाग, ये ऊपर भाग और ये निचले भाग, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जिसके फलस्वरूप ऊपर वाला नीचे, ये भाग नीचे चलाएगा,
यानी इसमें बन जाएगा इस प्रकार से विद्यार्थी, देख रहे हैं, या इसको आप इस प्रकार से दर्शाइए तो और देखने में सुविधा लगेगा। देखिए देखिए देखिए, ये वस्तु और ये उसका बन गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, और ये बन गया उसकी रेखा, ये बन गया रेखा 180 डिग्री पर। इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा। ध्यान से सुना, देखा फिर से वह घटना जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमता है, इसके फलस्वरूप ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर दिखाई पड़ता है। देखिए, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा और इसके साथ घूम रहा है 180 डिग्री पर, ठीक है। अब इसके आगे है बी परिवर्तन, किताबे हैं, देखिए आगे है पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन। यहां पर आपका आएगा परिभाषा, वह घटना जिसके फलस्वरूप फल स्वरूप प्रतिबिंब उदग्र उदग्र के साथ 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर घूमता है। वह घटना जिसके फलस्वरूप प्रतिबिंब उदग्र के साथ 180 डिग्री पर घूमता है, घूमता है, जिससे बाएं का भाग दाएं, बाएं का भाग दाएं तथा तथा बाएं का भाग दाएं तथा दाएं का भाग बाएं दिखाई पड़ता है, पड़ता है, उसे आप पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। इसमें तस्वीर देखिएगा सेम चीज का, यदि पी लेते हैं और विद्यार्थी उदग्र के साथ घूमता है, ये आपको उदग्र रेखा होता है, ये भी 180 डिग्री है, उदग्र रेखा है 180, तो देखिए ये चला जाएगा सिर्फ इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए इधर ये बाएं तरफ, ये दाएं तरफ, इधर आया दाएं तरफ, ये आपको बाएं तरफ हो गया और ये दाएं तरफ, ये आपको वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? विपरिवर्तन में क्षैतिज रेखा के साथ घूमता है और पार्श्व परिवर्तन में उदय रेखा के साथ घूमता है। उसमें तो ऊपर वाला भाग नीचे में बनता है और इसमें बाएं का भाग दाएं में बनता है। इस प्रकार से विद्यार्थी ये टॉपिक था। आगे का हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे, दर्पण जिसको अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, दर्पण का परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी चित्र के बारे में कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होता है, उसका नाम चित्र को दर्शाए, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है दर्पण, अगला टॉपिक है दर्पण जिसको अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। दर्पण उस चिकनी
और नियमित सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश का प्रवर्तन नियमित ढंग से होती है, नियमित रूप से होती है, तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होता है, एक को बोलते हैं समतल दर्पण, एक को बोलते हैं गोलीय दर्पण, एक को बोलते हैं प्रवलयिक दर्पण। चित्र पर सारे दर्पणों को बताया जाएगा। समतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह पूरा गोल होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होती है उसे प्रवलयिक दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो भाग होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हम लोग दर्पण के परिभाषा उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, दर्पण का परिभाषा लिखते हैं। दर्पण की परिभाषा, वह चिकनी सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन परावर्तन नियमित रूप से होता है उसे दर्पण दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। वह चिकनी सतह जिससे प्रकाश का प्रवर्तन नियमित रूप से होता है उसे दर्पण कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखें, इसमें खास बात यह होती है दर्पण की एक सतह कलई होना चाहिए, चिकनी हो, और एक भाग रजतित हो, कलई हो, तब वो दर्पण बनता है। दर्पण के तीन भागों में बांटा गया है, दर्पण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा प्रवलयिक प्रवलयिक दर्पण। ये दर्पण का तीन प्रकार हुआ, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रवलयिक दर्पण। इसको दो भाग होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये सभी को डिफिनेशन आगे दिया जा रहा है और साथ ही साथ इसका फिगर भी ध्यान से सुनेंगे। समतल दर्पण का फिगर पहले भी बताया है, गोलीय प्रवलयिक को अभी नहीं बताया गया है, लेकिन अभी आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। समतल दर्पण समतल दर्पण का परिभाषा, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल चिकनी होती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल
समतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर देखें, ये देखिए हो गया समतल यानी चिकनी। और आपको बताए थे पहले कि दर्पण को बनाने के लिए उसका एक भाग को रचित करना पड़ेगा, रांगना पड़ेगा। रांगने के लिए इस प्रकार से रांगा जाता है, यह रांगने को दर्शाता है, यह रंग गया, देख रहे हैं। ये हो गया रचित भाग, इस भाग को आप बोलिएगा रचित भाग, या इसी बोले थे कलई, कलई भाग। इस भाग को बोलेंगे परावर्तक, परावर्तक सतह, सतह। विद्यार्थी जी ये हो गया आपको समतल दर्पण, है ना, प्लेन मिरर। समतल दर्पण का इस भाग को आप बोलेंगे प्रवर्तक सतह और इस भाग को बोलेंगे रचित भाग, कलई भाग। यह आपको पहले भी बताया जा चुका है, नोट में भी लिखा दिए थे कि इस भाग को कलई करने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चांदी को सर्वश्रेष्ठ, जिस प्रकार से चालक कहा जाता है उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ प्रावर्तक भी होती है, यानी सबसे अच्छा प्रावर्तक को बनाने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है। ये हो गया समतल दर्पण का परिभाषा। अब अगला है गोलीय दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह गोल होती है, क्या बोले, जिस दर्पण की प्रावर्तक सतह गोल होती है वह दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए विद्यार्थी इसका फिगर, पूर्णतः गोल, पूरा गोल, लेकिन इसको एक बार अंदर भाग से रांगेंगे या इसको बाहर भाग से रांगेंगे। यदि अंदर भाग से रांगते हैं तो ये उत्तल भाग कहलाएगा और ये अवतल भाग कहलाएगा, लेकिन दोनों जो है आपको गोलीय ही है, इसलिए आप एक तरफ भी रांग सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चाहे अवतल बनाइए या उत्तल बनाइए वो तो बाद की बात है, लेकिन यह जो है पूरा गोल है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण के नाम से जाना जाता है। योगिया गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होता है, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। जब बाहर का भाग रांगेंगे तब अवतल बनेगा और जब भीतर का भाग रांगेंगे तो उत्तल बनेगा। आगे हम परिभाषा में बता रहे हैं, तो बोलिए दर्पण। अब हम लोग को प्रबलयिक दर्पण, प्रबलयिक, प्रबलयिक दर्पण, वह दर्पण, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे प्रवलयिक, प्रवलयिक दर्पण कहते हैं। ध्यान दें, ये हो गया आपको
बराबर है एक दर्पण, ये पूरा गोल नहीं है, ये हो गया आपको रजतित भाग, ये हो गया आपको परावर्तक सतह। तो ये हो गया परावलय दर्पण। दर्पण अब हम लोग को ये दर्पण और दर्पण के तीनों परिभाषा हो गया। अब इस चीजों को ध्यान से बोर्ड पर से बताए गए चीजों को ध्यान देखेंगे और वीडियो को सुनेंगे और यथासंभव वीडियो को कोशिश करें कि पूरा वीडियो को देखें, तब पूरी बातों को समझ में आएगा, पूरी चीजों को समझ में आएगा। और एक आधा क्वेश्चन पढ़िएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, दो क्वेश्चन देखिएगा, तो क्या समझ में आएगा। एक दिन में बनाया गया जितने भी वीडियो है, पार्ट बाय पार्ट लिखा गया, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, उस प्रकार से सभी वीडियो को पूरा पढ़ें, लिखें, देखें, है ना। नोट कॉपी पर लिखना बहुत जरूरी होती है। और जो बच्चों को जानकारी इसकी चीज को नहीं है, YouTube से पढ़ाया जा रहा है, उन्हें तक पहुंचाने का कोशिश करें, यथासंभव प्रयास करें।